कोरोना काल में जब लोग अपनी आजीविका का संकट झेल रहे हैं, गाजीपुर में किसानों की अलग ही दुर्दशा हुई है। मामला करंडा के लखनचंदपुर अनाज क्रय केंद्र का है। यहाँ किसान 8-8 दिन से अपने अनाज की सरकारी खरीद के इंतज़ार में हैं। इस बीच चक्रवाती तूफान से लगातार ज़ोरदार बारिश हुई है। किसानों का अनाज उनकी आंखों के सामने खतरे में पड़ा हुआ है, लेकिन अफसरों की नींद ऐसी है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही। गुरुवार और शुक्रवार को खरीद बंदी रही और शनिवार को मामूली खरीद के बाद फिर रविवार को खरीद बंद हो गई। ऐसे में किसान खुले में अपने अनाज को लेकर मौसमी खतरे का सामना करने को विवश हैं। केंद्र पर न तो प्रभारी मौजूद है और न ही कोई ऐसा जो जिम्मेदारी पूर्वक कुछ कह सके। आइए सुनिए, जब उनसे पूछा गया कि हफ्ते भर से मायूस बैठे किसानों का क्या होगा, तो क्या जवाब मिला। क्या नाम बता रहे हैं? संजय। किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एक एक सप्ताह से यहाँ लोग खड़े हैं और बिना नंबर के भी ले लिया जा रहा है, और आप बुलाते हैं 24 तारीख को, 29 तारीख तक भी नहीं लेते हैं, क्या कर रहे हैं? 18 तारीख को काटा कम हो गया, इसलिए लचा रहे हैं। 18 तारीख से ही काटा कम हो गया। यहाँ की क्षमता थी 600 कुंटल की, अब 300 खरीदा जा रहा है। 300? हाँ, इसलिए लचा रहे हैं। तो अभी जो किसान यहाँ खड़े हैं, क्या करेंगे, उनको लौटा देंगे? सर नहीं। क्या करेंगे, कैसे उनका करेंगे? हमारा जो टारगेट रहेगा उसके हिसाब से खरीदते रहेंगे, और जो सीरियल नंबर है खरीदारी होती रहेगी। तो अभी तक जो लोग 24-25 तारीख को आए हैं, अभी कब तक इंतजार करना पड़ेगा? 15 तारीख के टोकन वाले भी खड़े लाएंगे। 15 तारीख का टोकन है ये, वो 2 दिन लाइन लगा के यहाँ पे जा चुके हैं शादी की वजह से, वो भी लाइन में लगे पड़े हैं, उनको एडजस्ट करने के बाद ही कर पाएंगे। दुर्दशा सिर्फ अभी खरीद को लेकर ही नहीं है, पहले की जो खरीद हो चुकी है उस अन्न का हाल और बुरा नज़र आ रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ लगभग 300 क्विंटल गेहूँ खरीदा गया जो खुले आसमान में रखा गया है। गेहूँ भीग कर अंकुरित हो रहा है और बोरियों से दुर्गंध आ रही है। पूछने पर भी इस बारे में कोई जवाब नहीं मिल रहा। क्रय केंद्र पर रामनाथपुर निवासी किसान डॉक्टर दुष्यंत सिंह, सौरम निवासी संतोष यादव, अमित यादव, बनारसी यादव, अंकुर सिंह धरवा, नारायण सिंह सिकंदरपुर, मनोज यादव धनमान बिन परमेट, मोनू रामकेश यादव नारायणपुर, संदीप यादव विश्रामपुर, कन्हैया प्रजापति, संतोष कुमार गोशंदेपुर सहित 2 दर्जन से अधिक किसान मौजूद हैं। इनका आरोप यह है कि यहां बिना नंबर के खरीद हो रही है, और जब मन में आ रहा है केंद्र प्रभारी गोदाम पर ताला बंद कर चले जा रहे हैं। हम लोग इस ख़राब मौसम में ट्रैक्टर की सीट पर और ट्रॉली के नीचे बैठकर रात काट रहे हैं। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।